आज परमात्मा आपका स्वागत है। आज प्रकाश को आपने इतना सहयोग दिया, शुरू से आप सहयोग देते रहे हैं और आपको करनाल में एक संकट मोचक के रूप में भेजा गया है। संगठन ने संकट मोचक की भूमिका बड़ी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और करनाल में आज जो माहौल बना हुआ है वो तो माहौल आपकी मेहनत की वजह से बना हुआ है। आपने जो मेहनत की है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा आपस में, कार्यकर्ताओं को हमने प्यार दिया भाइयों की तरह और हर वर्ग तक आप पहुँचे। दूसरा यह है कि आपने मतलब शुरू में एक मतलब यहाँ से हवा आ रही थी, एक मतलब आवाज़ आ रही थी कार्यकर्ताओं में बिखराव है, मतलब एक बाढ़ चल रहा है या लोकल लोग परेशान हैं, लोकल लोग उपेक्षित हैं। इसको आपने किस तकनीक से और किस जादुई छड़ी से आपने इसको मतलब सुलझा लिया, सारी चीज़ों को संगठन को एक मंच पर ला के खड़ा कर दिया, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। देखो आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि संकट मोचन। हाँ। संकट मोचन में सबसे पहला शब्द आता है संकट। मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे कोई ऐसा संकट था। हम लोग तो पार्टी के एक सैनिक के तौर के ऊपर काम करते हैं और उस काम को करते हुए हमने हर स्तर के ऊपर हमारी ड्यूटी, अगर बूथ पे लग जाए तो हम बूथ पे काम करते हैं, शक्ति केंद्र पे लग जाए तो वहाँ करते हैं, उस पे लग जाए, वार्ड पे लग जाए, मंडल पे लग जाए, जहाँ पे ड्यूटी लगेगी काम करेंगे। तो पहली चीज है कि मुझे नहीं लगा यहाँ पे कोई ऐसा संकट था। पार्टी ने हर जिले के ऊपर एक एक प्रदेश को उनको जिला बांट के ड्यूटी दी और वो ड्यूटी मेरा सौभाग्य है कि मेरे को करनाल जिले की ड्यूटी मिली और यहाँ पर मेरे को अपना काम करने का मौका मिला। मेरी टीम यहाँ पे पांचों जो हलकों के अंदर मेरी टीम लगी हुई है, हम लोग जो पार्टी की पद्धति के अनुसार जो रोज़ाना अपना काम करके शाम को पूरी रिपोर्ट देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ कमी है, कहीं पे जुड़ाव की कमी है, कहीं पे कोई किसी प्रचार की कमी है, कहीं पे किसी से मिलने की है, तो मैं सब जगह जाकर पर्सनली तौर के ऊपर भी उनको मिलना, बातचीत करना। होता क्या है कि लोग जो हैं, आज एक माहौल ऐसा बना हुआ है हरियाणा के अंदर कि हर व्यक्ति जो है वो बीजेपी की सरकार बनाना चाहता है। ये एक माहौल है जो हमारी केंद्रीय जो हमारे जो नेता हैं उन्होंने ये माहौल खड़ा कर दिया। उसके अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक हमारे सबसे बड़े जो है अपने देश में ही नहीं दुनिया के अंदर एक सबसे बड़े नेता के तौर के ऊपर उभरे जी। और दूसरा उसके साथ जो संगठनात्मक दृष्टि से जो कार्य जो दिखाया अमित शाह जी ने और अब उनके साथ जगत प्रकाश नड्डा जी, इन्होंने वो टीम वर्क और संगठन को संगठित करके उसको कार्य पे लगाना, वो ये दोनों बहुत ही उस चीज़ के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं। और हरियाणा क्षेत्र का देखें तो मनोहर लाल जी की स्थिति हरियाणा के अंदर बिल्कुल वैसी ही बनी जैसे देश के अंदर मोदी जी की बनी। और व्यक्ति ने पिछले 5 साल के अंदर ऐसा काम करके दिखाया कि आज शहर शहर में कहीं पर भी गए हैं तो लोगों के अंदर ऐसा आया कि ईमानदारी का अगर दूसरा नाम है कोई तो वो मनोहर लाल। तो एक ही ये जो एक ऐसा ये बन गया कि जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ईमानदारी और दूसरी तरफ मनोहर लाल। और यहाँ पे लोगों को लगा कि जो कोई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स होती थी कि कोई व्यक्ति चाहे दूसरी पार्टी में है, चाहे दूसरे पक्ष में है, चाहे दूसरी विचारधारा का है या कोई ऐसा है, उनके खिलाफ खिलाफत में सरकार का प्रयोग करना, ऐसी चीजों से ये सरकार दूर रही। मतलब विरोधियों को दबाने वाली प्रवृत्ति कोई ऐसा कार्य इन्होंने नहीं किया। तीसरी चीज है कि आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे कोई मुख्यमंत्री ने ऐसा दिखाया कि ये भिवानी का मुख्यमंत्री है, फिर एक मुख्यमंत्री आया तो उसने ऐसा दिखाया कि ये हिसार का मुख्यमंत्री है। मैं बच्चों के पास जाकर जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा प्रचार का ढंग थोड़ा सा अलग है कि अलग अलग क्षेत्र में जाओ, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग उम्र के, अलग अलग
क्षेत्र के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो आपको अंदाजा होता है। मैंने बच्चों को जब ये बताया, बच्चे खड़े होकर उन्होंने ताली बजाई। वो हमारा एक क्रिकेटर्स की एसोसिएशन का प्रोग्राम था, तो मैंने उसको मैंने वो देखा कि उन्होंने कैसे इसको, वो बच्चे जो जितने खुश हुए कि ना अंकल ये ऐसे होगा यहाँ पे कि हमको इसका मतलब जिसको नौकरी नहीं है जिस परिवार में, उसको नौकरी देने के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे हमारे घर के पास एक माली काम करता है, वो माली की बच्ची को उसको प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट उसको मिली है, उसके घर चिट्ठी आई, तो उसने जो है वो बाप को बताया, बाप कहता तो तेरा दिमाग खराब है, तेरे को कौन नौकरी दे देगा, मान लिया तूने पढ़ लिख गई है लेकिन ऐसे कैसे नौकरी मिलती है हरियाणा में, ऐसे थोड़ी मिलती है। उसकी चिट्ठी उसने दिखाई कि ये चिट्ठी देखो मेरे को आई है, अपॉइंटमेंट लेटर है, मुझे दे मेरे को। और डिपार्टमेंट गया, डिपार्टमेंट में जाकर उसने कहा कि भाई साहब जरा ये देखिए मेरी बेटी को ऐसी चिट्ठी आई है, क्या ये सही है, मेरे को तो लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। उसने देखा और उसको कहा कि ये तो ठीक है, आप वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे पूरी सिलेक्शन की डिटेल लगी है, 17वें नंबर के ऊपर आपकी बेटी का नाम है, वो इस हफ्ते भर के अंदर ज्वाइन करे, 80,000 रुपये की उसकी तनख्वाह चालू हुई। वो माली जो बेचारा 10,000 मुश्किल से कमाता है, उसकी बेटी जो है, यंग बेटी जो है, उसको 80,000 की उसको जब उसको मिली सरकारी नौकरी, वो कहता है कि तो भाई साहब मेरी तो जिंदगी बदल दी मनोहर लाल ने। ये एक एग्जांपल है। तो मेरा मानना है कि इस समय बिल्कुल एक तरफा है, हम लोग 75+ का हमने जो नारा दिया है, हरियाणा की जनता उस नारे को सार्थक करने जा रही है। अनिल साहब, जैसे 15 दिन पहले आप आए थे यहाँ, आपने डेरा डाला अपने साथियों के साथ में करनाल में, तो पहले और आज की स्थिति में क्या अंतर मानते हैं 15 दिन पहले की में और आज की स्थिति में? मेरा मानना है कि उस समय जब हम लोग आए थे, जी जी, अभी चुनाव प्रचार जो है उस दृष्टि से शुरू नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि पेपर फाइलिंग हुई 1 अक्टूबर को। जी जी हाँ। पेपर फाइलिंग होने के बाद फिर पेपर की स्क्रूटनी है, वापसी है, जो ये चुनाव उठता है जब 7 तारीख को, जब सबकी वापसी हो गई तो फिर वो रन चौसर जिसको कहते हैं बैठ गई कि अब ये व्यक्ति हैं सामने। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर करनाल में हर किसी जगह पे व्यक्ति को होता है भाई मेरे को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन करनाल क्षेत्र के लोगों को पहले से ही ये मालूम था कि यहाँ से आदरणीय मनोहर लाल जी ने लड़ना है। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीज़ों के बारे में निर्णय करता है और उसके बाद सारों के लिए वो मान्य होती है। तो मतलब आपका बड़ा अच्छा अनुशासित नेतृत्व है, नहीं कहीं पर भी ऐसी थी कभी भी नहीं, हमारी पार्टी के बारे में कभी भी नहीं आई और कांग्रेस की हमेशा आती है। नहीं, बहुत अच्छी आपकी रही है। तो आपको और मतलब करनाल में आपने क्या कमियां, जैसे आप लोगों से मिले भी करनाल में, और करनाल में आपने लोगों की क्या मतलब डिमांड देखी जो कि लोगों की पूरी नहीं हुई, व्यक्ति का टीस रही हो, लोगों की कोई टीस रही हो करनाल में लोगों की पिछला चुनाव लोगों ने एक विधायक को चुना था। जी 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 हाँ। इस बार जो चुनाव में फर्क है, इस बार लोग एक मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है पिछले चुनाव से और इस चुनाव के बीच में। तो मेरे को लगता है कि उस दृष्टि से जो है वो जो लोगों को मुख्यमंत्री जी कम मीटिंग्स यहाँ अलॉट कर पाए, पिछली बार 400 मीटिंग हुई थी, इस बार शायद 100 मीटिंग्स हो रही है। तो ये एक जो फर्क है, इसको देखते हुए एक कैंपेन हमने मैं भी मनोहर के नाम से शुरू करी, जिसका नाम था कि हर व्यक्ति जो है यहाँ पे मनोहर लाल की तरह काम करे, और ये भी मनोहर है, मैं भी मनोहर हूँ, हम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं मनोहर जी हमारे मुख्यमंत्री बने। तो अब अगर यहाँ पर बैठे रहेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, उनको तो जो दूसरी 89 सीट्स हैं उनको वहां पर भी जाना है। तो इसलिए हमने करनाल वासियों को बोला कि आप चाहते हो कि आपका व्यक्ति मुख्यमंत्री बने,
तो इस बार आपको उनकी कैंपेन आपको रन करनी पड़ेगी। हमने कैंपेन को शिफ्ट करके जो मनोहर लाल सेंट्रिक कैंपेन थी हमने उनको पीपल सेंट्रिक कैंपेन कर दिया, जिसका नाम रखा मैं भी मनोहर पीपल सेंट्रिक कैंपेन। तो आप मतलब क्या हिसाब लगाते हैं करनाल से कितनी जीत सीएम साहब की होगी, 5 सीटों पर कितना मार्जिन होगा? आपने इतनी मेहनत की, इतना देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, मैं कोई वो नहीं हूँ। मेरा मानना है कि ये पांचों सीटें हम पिछली बार से अधिक जो है अंतर से जीतेंगे। अब इसका आंकलन किसी नंबर में देना वो कोई न्यूमरोलॉजी वाला दे सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजी वाला दे सकता है, ये मेरे लिए उसको बोलना संभव नहीं है। तो इस बार आंकड़ा कहाँ तक पहुँच सकता है? इस बार विपक्ष है नहीं सामने, इस बार तो विपक्ष था। मेरा मानना है कि हम उससे आगे बढ़ेंगे। निश्चित आप आए क्लास की बात तो भी समझा, बैठे जी 6.5 लाख से जीते करनाल संसदीय क्षेत्र से। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग पिछली बार के आंकड़ों से आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अर्थ प्रकाश को। धन्यवाद जी, शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।